हेलो इंडिया प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और मैं लेके आया हूं आपके लिए यूपी पुलिस 2019 की 28 जनवरी को सुबह की मीटिंग में जो पेपर हुआ है उसकी जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन हम आपको यहां देंगे। 38 क्वेश्चन है इसके आंसर की, बिल्कुल सटीक आंसर की प्रूफ के साथ। ये हमने ए सीरीज की बुकलेट ली है जिसका कोड नंबर था 09, ए सीरीज की बुकलेट। पहला क्वेश्चन था, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच T20 का मैच था। यह था वेस्टइंडीज के बाद, वेस्टइंडीज और भारत के बीच यह मैच खेला गया था इकाना स्टेडियम में। बाद में इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया था। यह स्टेडियम लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये कर रहा चाइना। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ह्वांगजू चाइना में 2022 के गेम होंगे। इससे पहले जकार्ता इंडोनेशिया में 18वें एशियन गेम हुए थे, आपको इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला। इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये फोटो में आपको जनरल बिपिन रावत दिख रहे हैं। सुनील लांबा जो है नेवी के चीफ है, बीएस धनोआ जो है एयरफोर्स के चीफ है। ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा। आपको रोजाना मैं करंट अफेयर्स की क्विज में बताता हूं और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर्स की क्विज से मिले हैं। नवंबर 2018 में 33वां आशियान शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? यह सिंगापुर में हुआ था और सिंगापुर इसका अध्यक्ष है। यह मैं आपको पहले करंट अफेयर्स में दिखा चुका हूं। 11 से 15 नवंबर तक यह सबमिट चला था। एशियन ASEAN का 33rd सबमिट था। इसमें टोटल 10 देशों ने हिस्सा लिया था। सिंगापुर में सबमिट हुआ था। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है जो सुगर को कंट्रोल करता है? जैसे आपने देखा होगा जिनको सुगर की बीमारी होती है तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना था। लीवर के नीचे यहां पे पैंक्रियाज होता है जो इंसुलिन बनाता है। अग्नाशय इसको बोलते हैं, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज या अग्नाशय। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है और कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? यह है ऑप्शन बी ब्रोमीन। यह लिक्विड अवस्था में रहता है और जैसे ही आप इसका ढक्कन खोल के उड़ेलेंगे तो इसकी बहुत ही खतरनाक जहरीली गंध फैलती है और यह हवा में घुल जाता है, ब्रोमीन लिक्विड। जबकि धातु में अगर नाम आए तो धातु में कई बार क्या होता है, यही क्वेश्चन आ सकता है, तो धातु में पारा है, पारा धातु में लिक्विड अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3COOCH2CH3 किसका सूत्र है? ये एथिल एथिनोट का सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथिल एसीटेट इसे बोलते हैं। IUPAC नाम इसका एथिल एसीटेट है और सिस्टमेटिक IUPAC नाम इसका एथिल एथिनोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर द्रवों के घनत्व की बात आती है तो यहां पे कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका ऑप्शन होता है पिकनोमीटर, मैंने बताया यहां पे, लेकिन इसकी आप आपत्ति जरूर दर्ज करा सकते हैं। मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूं कि इसकी आपत्ति कैसे दर्ज होगी। दर्वों के घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग में यूज किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए हाइड्रोमीटर, दर्वों की घनत्व को नापता है हाइड्रोमीटर, जबकि गैस पिकनोमीटर जो है डेंसिटी नापती है, मेजरिंग इन लैबोरेटरीज में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को नापती है, रेगुलरली शेप के सॉलिड की डेंसिटी को नापती है। यूडियोमीटर है, लैबोरेटरी डिवाइस है, ये भी ये गैस के मिक्सचर को, फिजिकल और केमिकल चेंज को नापता है। बेवा मीटर एक डिवाइस है जो टेरा मैकेनिक्स टू मेजर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की, मिट्टी की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को नापती है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी होता है। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं बैठता, इसलिए अगर आप देखें तो अगर आप यहां पे सही आंसर की बात करें तो हम पिकनोमीटर लगा सकते हैं, लेकिन पिकनोमीटर के लिए गैस लिखा होना चाहिए था। तो सबसे सटीक आंसर तो यहां पे पिकनोमीटर होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है, इसकी आप आपत्ति जरूर दर्ज कराएं। ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप ये PDF में ले सकते हैं। केंद्रीय यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां है? विद्या विहार कहां पे है? ये आगरा में है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रयागराज को अब आप पहले प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और यहीं पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर है।
उत्तराखंड किस वर्ष से अस्तित्व में आया था? 2000 में अस्तित्व में आया था, 2000 में उत्तराखंड बना था। बरसाना होली खेली जाती है कहीं से? ऑप्शन डी होगा, डंडों से खेली जाती है, लठमार होली भी से बोलते हैं, बरसाना की होली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? कांपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा है, जैन समुदाय के 13वें तीर्थंकर का जन्म यहां हुआ था। कांपिलिया कांपिल नाम से जाना जाता है, कांपिलिया पुराना विलेज है, तहसील कासगंज एटा में, और ये गंगा नदी के किनारे है। 13वें तीर्थंकर का जन्म यहां हुआ था। तो कांपिलिया मेला जैन समुदाय से जुड़ा है, उसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ पंडित बिरजू महाराज, उत्तर प्रदेश के, इसका ऑप्शन सी सही होगा। पंडित बिरजू महाराज के बारे में आपने कई बार सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? वो है भाषा परीक्षण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता के दसवासव मेघ घाट पर किए जाने वाले दसवा मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी भगवान ब्रह्मा ने? इसका थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये थोड़ा सा आप इसे देख के रखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर इसका कोई और आंसर आपको मिलता है। इसका आंसर हमारे हिसाब से बी है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सभी को पता है, परमवीर चक्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किताब किसने लिखी? इस्माइल मर्चेंट ने लिखी है, ऑप्शन डी सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस मनाया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसकी ट्रिक मैंने आपको दी हुई है। जेट इंजन का आविष्कार किया किसने किया था? सर फ्रैंक विट्टल ने किया था, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, यानी इसके शेयर नहीं है? ऑप्शन डी होगा, कोरा। कोरा की कोई भी एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में, इसका ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, और फिर छत्तीसगढ़ आता है। ये जो एरिया दिए किलोमीटर स्क्वायर में दिए। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की मुद्रा है यूरो, यूरो बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है? रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन बी सही होगा। बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया 1937, बर्मा भी भारत का पार्ट था। 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। 1947 में ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान, ये दोनों रेड क्लिफ रेखा से अलग होते थे भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की राजधानी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बड़ा ही सुंदर देश, देश भी सुंदर और राजधानी भी सुंदर, इसे एक बार आप विजिट करने जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? एटलांटा राज्य नहीं है, एटलांटा एक सिटी है, बाकी सारे के सारे राज्य हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, एटलांटा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं? महल, MAHL, इसका ऑप्शन बी सही होगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आप देखें, एक छोटा सा द्वीप है जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। मलयालम के अलावा महल बोली जाती है और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, यह भी आप साथ साथ याद रखें। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति बने थे, वो थे राजा राम भोसले, ऑप्शन ए इसका सही होगा। संभाजी दूसरे छत्रपति थे, तीसरे नंबर के छत्रपति थे राजा राम भोसले, ऑप्शन ए सही होगा। एल्डेस्ट सन संभाजी थे और यंगेस्ट सन यानी सबसे छोटे बेटे थे राजा राम भोसले। ओडिशा के एक प्राचीन लोक नृत्य का नाम बताना है, घुमुरा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। घुमुरा उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य। नेक्स्ट है, 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना बढ़ा दिया गया? कहा जाता है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो इनसे ज्यादा लेते थे, तब 2018 में राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाया गया, 1.5 लाख से बढ़ाकर ये 5 लाख कर दिया गया, इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया किस देश के बाद तीसरे स्थान पर आता है? पहले स्थान पर इंडोनेशिया आता है, दूसरे पे फिलीपींस, तीसरे पे इंडिया आता है। तो यहां पे दूसरे नंबर का जो देश है वो है फिलीपींस, इसका ऑप्शन डी सही होगा। और चौथे पे ब्राजील आता है कोकोनट प्रोडक्शन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, इसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? इसमें 15 वीमेन शामिल थी, इसका ऑप्शन सी सही होगा, सी ऑप्शन 15 वुमेन सही होगा। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे अडॉप्टेड किया था, स्वीकार किया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से।
काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला ने की थी, इसका ऑप्शन सी सही होगा। और ठाकुर रोशन सिंह ने चैन खींची थी, इसमें 14 से 16 बंदे थे। इनकी एक लाइन थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई थी और इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। काकोरी कांड के अमर बलिदानी रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्ला खान। बगरू हाथ की छपाई कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान की जयपुर में एक बगरू जगह है जहां पे हाथ की छपाई होती है, एक सुंदर साड़ियां होती हैं, ये राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान। इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में CRR रेट क्या, नकद आरक्षित अनुपात, यह 4% है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा ने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हवा महल, इसे प्लेस ऑफ विंड, प्लेस ऑफ ब्रिज भी बोलते हैं, जयपुर के सिटी प्लेस में स्थित है ये। एक्सटेंड ऑफ जनाना, इसे एक्सटेंड ऑफ जनाना बोलते थे, जहां पे विमेन्स चैम्बर थे, महिलाएं उसमें बैठकर जो भी सवारियां निकलती थी उसको मार्केट में देखा करती थी। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 1995 से 2002 तक ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन बी सही होगा। और प्रेजेंट टाइम में यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटरेस। ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं, आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन हमारे कराए हुए मिले ए टू यूर करियर्स चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। प्लेलिस्ट में जाके देखें, कल की सारी वीडियो भी हम डाल चुके हैं और ये आज सुबह की जीके की वीडियो है, फटाफट मिला लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाने के बाद इसे आप व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स, फेसबुक के स्टडी ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंसर को मिला पाए। A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Nigel. You can follow me on Facebook and Instagram. God bless you. All the success in your life. आप लोग इस कॉम्पिटिशन में जल्दी से जल्दी सफल हो, आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।